Hey guys, welcome to Dreamers Abroad and welcome to our first vlog. ये चैनल हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी अल्बर्टा की ट्रिप से. बहुत ही सुंदर लेक्स, बहुत ही सुंदर व्यूज, माउंटेन्स और ड्राइव. हमारे पीछे है लेक लुइस. ये एग्जैक्टली वही लेक है जो आपने हजारों लाखों इंस्टाग्राम की फोटोज में देखा होगा. बट ये हमारी ट्रिप का लास्ट डे है. ये वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारी ट्रिप के फर्स्ट डे से. ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कैसे आगे बढ़ती है, लेक लुइस आपको फोर्थ वीडियो में दिखाई देगा. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. ऑलराइट गाइस, सो अभी हम लोग वाटरलू एयरपोर्ट आ चुके हैं. छोटा सा लोकल एयरपोर्ट है बट इट इज़ इंटरनेशनल. इतना भी लोकल नहीं है बिकॉज यहाँ से फ्लाइट्स US तक जाती हैं. एंड फाइनली आफ्टर 2 ईयर्स हम लोग फ्लाई बोर्ड करने जा रहे हैं. वी आर सो एक्साइटेड. ऐसा लग रहा है कि किसी दूसरी कंट्री जा रहे हैं. फ्लाइट वाइट तो जैसे भूल ही गए हैं कैसा कैसा लगता था फ्लाइट बोर्ड करना. 2.5 साल हो गए. इनफैक्ट मैंने जो लास्ट फ्लाइट बोर्ड की थी वो मैं इंडिया से कनाडा आया था 2019 में. सो हाँ, 2.5 साल हो चुके हैं एक्चुअली जब कोई भी फ्लाइट बोर्ड की हुए. बहुत एक्साइटिंग ट्रिप होने वाली है और आई एम श्योर आप लोगों को भी उतना ही मजा आने वाला है जितना हम लोगों को आ रहा है. ये एक्चुअली इतना छोटा सा एयरपोर्ट है, मुझे अपने होम टाउन की याद आ रही है, कानपुर. आई रिमेंबर उसका भी एयरपोर्ट बहुत छोटा सा प्यारा सा है. ये भी बहुत क्यूट सा छोटा सा एयरपोर्ट है बट स्टिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. We watch the sun go down over the same old town like so many times before. We look at the same old stars, battle the same old wars like so many times before. And I know that we're not perfect. वैसे एयरपोर्ट वाली फील तो अब आ रही है. मस्त बड़ा सा एयरपोर्ट है. टाइम ना वेस्ट करते हुए विल डायरेक्टली गो टू अवर होटल. विल चेक इन देयर. सो उबर बुक करते हैं और जल्दी से होटल चलते हैं. और गाइस, चेंज इन प्लान्स. हमने जस्ट कंफर्म किया कि कोई रेंटल कार अवेलेबल है एयरपोर्ट पे कि नहीं है. थैंकफुली वी गॉट वन. वेरी एक्सपेंसिव बट कोई बात नहीं, चलता है. एटलीस्ट हम लोग कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल सकते हैं और आज रात को भी अच्छे से घूम सकते हैं. ऑलराइट गाइस, हम लोग बाहर आ चुके हैं एयरपोर्ट से और हमको गाड़ी भी मिल चुकी है. बट अनफॉर्चुनेटली इन गाड़ियों में से वो कोई गाड़ी नहीं है और ये छोटी सी किया रियो हमको मिली है. $550 फॉर 3 डेज और हमको ये गाड़ी मिली है. एटलीस्ट टाइम काफ़ी सेव होगा और अभी हम डाउनटाउन एक्सप्लोर कर सकते हैं और अर्ली मॉर्निंग कल सुबह निकल सकते हैं. सो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. नई गाड़ी के साथ ही पंगा होता है, समझ ही नहीं आ रहा है कि एक सीट इसकी आगे कैसे होगी. अपनी गाड़ी की इतनी आदत पड़ गई है कि कोई भी इसमें डिस्टेंस समझ ही नहीं आ रहा है. ओह, ये तो मेरी वैगन आर में नीचे ऐसे ये हैंडल बनाता था, उसको आगे करके आपको सीट आगे होगी. वैगन आर की याद. सो गाइस, होटल पहुंच गए हैं, चेक इन कर दिया है. अब जाना है डाउनटाउन एडमिंटन. बट अभी थोड़ा सा रेस्ट करने का मन कर रहा है बिकॉज कल से शेड्यूल बहुत ही हेक्टिक होने वाला है. सुबह 6 बजे से हमको निकलना है. ऑफ कोर्स एक्सप्लोर करना है तो जल्दी उठना पड़ेगा और जल्दी निकलना पड़ेगा. लंबे दिन का पूरा यूज़ करना है. बट थोड़ी देर आराम करके फिर उसके बाद निकलते हैं डाउनटाउन एडमिंटन. अभी 8 बज चुका है रात का, सो वी वोंट हैव मच टाइम बट स्टिल अच्छे से इन्जॉय करेंगे शाम को और फिर कल सुबह निकलेंगे ब्यूटिफुल व्यूज देखने के लिए. वेदर थोड़ा फॉगी सा हो रखा है. सो रिसेप्शन में मैंने पूछा तो दे सेड कि ये फॉग नहीं है, ये वाइल्ड फायर स्मोक है. सो वी हैव टू बी अ बिट कॉशियस. बट हम लोग तो दिल्ली वाले हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है स्मोक और फॉग से. वी वॉच द सन गो डाउन ओवर द सेम ओल्ड टाउन. इन
इंडियन फूड का कोई मैच नहीं है, कहीं भी हो इंडियन फूड इज द बेस्ट एंड माय फेवरेट दाल और नान या रोटी बेस्ट एवर फूड सिंपल बेस्ट टेस्टी। ऑलराइट गाइस डिनर डन। वी वर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि एडमंटन भी टोरंटो की तरह बहुत हैपनिंग होगा, वैसा तो डेफिनेटली नहीं है। काफ़ी शांत सा सिटी है, स्पेशली बिकॉज आज सैटरडे नाइट था, वी वर एक्सपेक्टिंग कि बहुत हैपनिंग होगा, वैसा नहीं था, बट इट्स अ लवली सिटी। अभी आज का वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं, आज थोड़ा छोटा दिन था, इसको व्लॉग को भी थोड़ा छोटा रखते हैं बिकॉज कल से व्लॉग्स का लेवल काफ़ी डिफरेंट होने वाला है, बिकॉज इतनी सुंदर सुंदर जगह देखने को मिलने वाली है। वी आर प्लानिंग कि हम लोग सुबह 6 बजे उठकर निकल जाएंगे, देखते हैं कितने बजे निकल पाते हैं बिकॉज ऑलमोस्ट 11:30-12 बज रहा है। बट कल का दिन बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है और वो आप देखोगे नेक्स्ट व्लॉग में। सो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, इट्स अ न्यू चैनल एंड वी हैव गॉट सो मच इन स्टोर फॉर यू। एंड गाइज डू लेट मी नो योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जो भी आपके कॉमेंट्स हो, जैसे भी हो अच्छे बुरे, डेफिनेटली कॉमेंट करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।